हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एफटी थॉट्स। मेरा नाम है रवि कुमार और गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसे निश के बारे में जिसका अगर आप लोग यूज़ करते हैं उस पर अपनी वेबसाइट या ब्लॉग बनाते हैं वो भी ब्लॉगर के प्लेटफॉर्म पे, आप लोगों को कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग ब्लॉगर के प्लेटफॉर्म पे अपनी वो वेबसाइट बनाते हैं जिसका कैटेगरी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छा सा एसईओ कर देते हैं और जो सारे स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ उसे अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप लोग इजीली $500 मंथली इस वेबसाइट से अर्न कर लेंगे। गाइज जी, आप लोग सही सुन रहे हैं, आप लोग $500 मंथली इस वेबसाइट से अर्न कर लेंगे। जो भी मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ सबको आपको एज इट इज़ फॉलो करना है, उस पर वेबसाइट बनानी है और जो भी मैं आपको कीवर्ड्स दूंगा उसमें बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है, तो उस पर अगर आप लोग आर्टिकल लिखेंगे तो रैंक भी हो जाएगा। तो गाइज ये सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। सो अगर आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल रही है तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। सो गाइज देख सकते हैं, आपको बायोग्राफी वाली वेबसाइट बनानी है जहाँ पर आप लोग $500 पर मंथ कमा सकते हैं। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि $500 पर मंथ कमा सकते हो और आप लोगों को यहाँ वेबसाइट क्यों बनानी चाहिए इस निश पे, वो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एचरेफ में आप लोगों को लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे देखेंगे गाइस कुछ कीवर्ड, जैसा कि देख सकते हैं रानू मंडल, इसका देख सकते हैं कंपटीशन जीरो है, सर्च वॉल्यूम आपको 50,000 तक का मिल जाता है, क्लिक्स आपको देख सकते हैं 50% मिल जाते हैं और बाहर के देश से भी यहाँ पर ट्रैफिक आ रहा है। वहीं देख सकते हैं एक और कीवर्ड है मीशा अय्यर, देख सकते हैं यहाँ पर भी कंपटीशन जीरो, सर्च वॉल्यूम 5,000, क्लिक्स आपको 50% से ज़्यादा के मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो आसानी हो जाएगी। एक और कीवर्ड देख सकते हैं रूमा शर्मा। तो गाइज ऐसे जो कीवर्ड्स हैं इन पर अगर आप लोग आर्टिकल लिखेंगे रैंक कर जाएंगे, आप लोगों के जो कीवर्ड्स के बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे, आपकी वेबसाइट रैंक करने लगेगी, पोस्ट रैंक करेगी और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है किसी भी कीवर्ड पे। तो आप लोग ज़रूर इस निश पे वेबसाइट बनाएं और क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस जो सबसे पहला काम करना है वो आपको अपनी वेबसाइट बनानी है प्लस डोमेन खरीदना है। अब वेबसाइट आप ब्लॉगर पे बनाएगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, बट आपको डोमेन एक खरीद लेना है जिससे आपके वेबसाइट का जो इंप्रेशन है अच्छा पड़ेगा और आप लोग इस वेबसाइट पर आके कोई भी डोमेन खरीद सकते हैं। name.com इस वेबसाइट पे आ सकते हैं आप लोग, यहाँ से डोमेन खरीद सकते हैं, आप लोग किसी भी वेबसाइट से खरीद सकते हैं, कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं बस आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, गोडैडी से भी खरीद सकते हैं। देन इसके बाद ये दोनों चीज़ आपको कर लेनी है पहला स्टेप। देन इसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हाउ शुड आई गेट बायोग्राफी कंटेंट। अब आपको बायोग्राफी कंटेंट कहाँ से मिलेगा तो भी मैं आपको बता देता हूँ, तीन तरीके बताऊंगा। जो सबसे पहला है वो है यूट्यूब। तो यूट्यूब पे जाके सिंपली अगर आप लिखते हैं बायोग्राफी इन हिंदी और बायोग्राफी इन इंग्लिश, मतलब जो भी लैंग्वेज है, और उससे सर्च करते हैं तो देख सकते हैं कितने सारे आपके सामने बायोग्राफी आ जाती है। तो आप किसी को भी, आप किसी की वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी स्टेप्स आपको बताए जाएँ उसे नोट डाउन कर सकते हैं और अपने शब्दों में आप लोग अपनी जो पूरी बायोग्राफी है लिख सकते हैं, अच्छी सी बायोग्राफी लिख सकते हैं। देन इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है विकीपीडिया। तो विकीपीडिया पे भी आप लोगों को बायोग्राफी का पूरा कंटेंट मिल जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिसके ऊपर भी आप लोग बायोग्राफी लिख रहे हैं। जैसे मैं लिखता हूँ अगर सचिन तेंदुलकर के ऊपर, तो सचिन तेंदुलकर लिख के जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पर जो भी कंटेंट होगा, जो भी आइडियाज़ होंगे, जो भी डिटेल्स होगी इस कीवर्ड से, वो सारी मेरे सामने आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर से ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे लेके अपने शब्दों में आर्टिकल लिख सकता हूँ। ध्यान रखें कि आपको कॉपी नहीं करना है, अगर कॉपी करते हैं तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा आपके वेबसाइट बनाने का। देन इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो गूगल प्लस वेबसाइट्स। तो मतलब आपको गूगल पे जाके जिसकी भी बायोग्राफी चाहिए उसे सर्च कर देना है। जैसे बायोग्राफी वेबसाइट मैंने सर्च कर दी तो अब यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जहाँ से आप लोग अपना कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं, कीवर्ड्स के सजेशंस ले सकते हैं, देन इसके साथ साथ यहाँ पर आर्टिकल लिख सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। देन इसके बाद आपने सारी चीज़ें कर ली, अब आपको करना है एसईओ अपने बायोग्राफी वेबसाइट का। तो इसके लिए जो सबसे पहला काम है गाइज वो है बैकलिंक। अब बैकलिंक बनाने के लिए आपको गाइज करना क्या है, आपको सिंपली यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे जाने के बाद आपको सिंपली सर्च कर देना है बैकलिंक्स एफटी थॉट्स। तो यहाँ पर आपके सामने 74 या 45 वीडियोज आ जाएंगी जो देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट है। अब यहाँ पर से अगर आप लोग अपने सारी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बना लेते हैं तो आपकी वेबसाइट का एसईओ जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, DAPA भी इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो आसानी है वो हो जाएगी। देन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है वेबसाइट सबमिशन। अब जो आपकी वेबसाइट सबमिशन है वो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, मतलब इसका मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट का URL है वो सारे सर्च इंजन में सबमिट हो जाए और यहाँ से आपको ट्रैफिक आने लगे, क्योंकि जब तक आपका वेबसाइट सर्च इंजन में सबमिट नहीं होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है गाइज वो है गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद आप लोग लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे अपना आर्टिकल्स लिख सकते हैं, उसके लिए आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं यूट्यूब पर जाके। देन इसके बाद प्रोफाइल लिंकिंग कर सकते हैं आप लोग कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाके, सोशल मीडिया का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज ये सारी चीज़ें हैं जिसका यूज़ करके आप लोग अपने वेबसाइट का एसईओ कर सकते हैं। देन इसके बाद जो बेसिक एसईओ होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो पूरी वीडियो में बने रहिए। देन इसके बाद जो
जो नेक्स्ट चीज़ है गाइज वो है बेस्ट थीम फॉर बायोग्राफी वेबसाइट। अब गाइज थीम बहुत मैटर करता है आपके वेबसाइट के लुक के लिए, आपके वेबसाइट के रैंकिंग के लिए। तो यहाँ पर गाइज मैंने एक थीम फाइंड आउट की है जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए, अपने बायोग्राफी वाली वेबसाइट के लिए। सो गाइज देख सकते हैं वोग्जा ब्लॉगर टेम्पलेट ये थीम है। अब इसका मैं अगर आपको लाइव प्रीव्यू करके दिखाऊं गाइज तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका लुक देखने को मिल जाता है। पोस्ट भी मैं आपको एक ओपन करके दिखा दूंगा, यहाँ पर काफ़ी अच्छा लुक आपको देखने को मिलता है। और इसमें अगर आप लोग अपने वेबसाइट को इंस्टॉल करते हैं, इस थीम को अपने वेबसाइट में, तो यहाँ से आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाले, लुक आपको अच्छा मिल जाएगा, यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, यूआई इस वेबसाइट का अच्छा है, रेस्पॉन्सिव थीम है, मोबाइल फ्रेंडली भी है। तो गाइज आप लोग इस थीम का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। गोयाबी टेम्पलेट्स पे आके सिंपली सर्च कर दीजिएगा वोग्जा ब्लॉगर टेम्पलेट, तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज ये पूरा स्ट्रक्चर था जिसके जरिए आप लोग बायोग्राफी वेबसाइट बना के $500 पर मंथ कमा सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।